अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से होंगे उम्मीद है। अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 19, 2008 का क्वेश्चन नंबर 8। इंशाल्लाह ताला दो तीन लेक्चर्स में हमारे टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा डेप्रिसिएशन का। एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज, 2008 का क्वेश्चन नंबर 8। इसको कराने का सिर्फ एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि इसके अंदर हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन हमें निकालनी है। लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से पहले कॉस्ट ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट निकाली है, उससे थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। हम लोग जो कॉस्ट ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट निकालते हैं, उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि पहले हमें लिस्ट प्राइस दी हुई होती है, उसके अंदर से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर कैट डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर एडिशनल कॉस्ट ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कॉस्ट गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कॉस्ट गिवन नहीं है। फाइवर में ये क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है ऑन 1 मई 2006 सादिया लिमिटेड बॉट अ सर्टेन मशीनरी फॉर ₹8 लाख। मई 1, 2006 को सादिया लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की है जिसकी जो प्राइस है वो 8 लाख है, सब्जेक्ट टू अ 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, एंड देयर आफ्टर कैट डिस्काउंट ऑफ 5%। कैट डिस्काउंट नॉर्मली हमें टर्म में दिया हुआ होता है, 2/10, 3/10, 5/10, जो हम कैट डिस्काउंट माइनस करते हैं। यहां पे इन्होंने कैट डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है इट्स यूजफुल लाइफ वाज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर एंड द सेल्वेज वैल्यू 24,000। अब इस क्वेश्चन में देखें, ट्रेड डिस्काउंट है, कैट डिस्काउंट है, कैट डिस्काउंट के अवेल करने के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कैट डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे। कैट डिस्काउंट इन्होंने, इनको कैट डिस्काउंट मिला या नहीं मिला, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम कैट डिस्काउंट को माइनस करेंगे। एडिशनल कॉस्ट इस क्वेश्चन में कोई नहीं दी भी। पहली रिक्वायरमेंट है कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2006-2007 अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इफ द कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन December 31। डेप्रिसिएशन निकालें 2006 और 2007 का स्ट्रेट लाइन मेथड से, अगर कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड होता है December 31 को। डेप्रिसिएशन डायरेक्ट पहली रिक्वायरमेंट दे दी है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। डेप्रिसिएशन उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं हो सकता जब तक इस क्वेश्चन के अंदर हम कॉस्ट कैलकुलेट ना कर लें, तो पहले हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकलेगी कॉस्ट ऑफ मशीन? पैटर्न हमारा वही रहेगा, हेडिंग्स हमारी वही रहेंगी। सादिया लिमिटेड नाम है, ये हम लोग पहली ही रिक्वायरमेंट के अंदर इसको रखेंगे। सादिया लिमिटेड कॉस्ट ऑफ मशीन, सबसे पहले आ जाएगी हमारी लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस है 8 लाख, इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, स्पेस थोड़ी सी कम हो रही है, मैं लिस्ट प्राइस को थोड़ा सा आगे लिखता हूं। लिस्ट प्राइस थी 8 लाख रुपीस, ट्रेड डिस्काउंट था 8 लाख का 10%, जो कि आ रहा है 80,000। माइनस करेंगे, अमाउंट आ गई हमारे पास 7,20,000। अच्छा, ये बात याद रहे कि अगर कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट नहीं दिया हुआ,
तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आ जाएगी वही हमारी कैश प्राइस होगी। कैश डिस्काउंट नहीं है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो प्राइस आएगी वही हमारी कैश डिस्काउंट होगी, वही हमारी कैश प्राइस होगी। इसके सामने वाली लाइन हमारी ब्लैंक रहेगी, इसके बाद लेस करेंगे इसमें से कैश डिस्काउंट। ₹7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये अमाउंट आ गया 36,000। इसको भी माइनस करेंगे, अमाउंट हमारा रह गया 6,84,000। क्योंकि कोई एडिशनल कॉस्ट गिवन नहीं है, तो यही हमारी हो गई कॉस्ट ऑफ मशीन। एक भी एडिशनल कॉस्ट होती वो इसके अंदर मैं ऐड कर देता, यही हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई। अब इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2006 का और 2007 का। इसके नीचे मैं हेडिंग दे दूंगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन के अंदर दो मेथड गिवन है, लास्ट रिक्वायरमेंट के अंदर डिमिनिशिंग भी है इसी क्वेश्चन में। तो यहां फिर नीचे मैं मेथड का नाम भी लिख देता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला हमारा है एनुअल या पर ईयर डेप्रिसिएशन, एनुअल या पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। अब आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो गया होगा कि कॉस्ट पहले क्यों निकालनी पड़ी है। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें कॉस्ट की जरूरत थी, तो लिहाजा मैंने पहले कॉस्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद फिर मैं यहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं। कॉस्ट हमारे पास आई है 6,84,000। स्क्रैप वैल्यू है 24,000। और लाइफ इन ईयर्स गिवन है 10। हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 66,000। अगर मशीन पूरे साल चलेगी तो उसकी वैल्यू 66,000 गिरेगी, माइनस होगी। डेप्रिसिएशन निकालना था 2006 और 2007 का, यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2006। 2006 में मशीन खरीदी थी मई 1 को, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31 को। मई से दिसंबर 8 मंथ्स चली है ये मशीन, 66,000 मल्टीप्लाई बाय 8/12, देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। पहले साल मशीन 8 मंथ्स चली है, लिहाजा 8/12 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 44,000 आया हमारा 2006 का डेप्रिसिएशन। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर 2007, पूरे 12 महीने चली है मशीन, 12 महीने का डेप्रिसिएशन 66,000 होता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बी, ये पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी। सेकंड रिक्वायरमेंट है एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनानी है 2006 की। सादिया लिमिटेड दोनों एक ही जर्नल जर्नल में बना लेंगे,
अगर हमें एक ही साल की एडजस्टिंग और उसी साल की क्लोथिंग बनानी है एक ही मेथड से, दोबारा सुने, एक ही साल की एडजस्टिंग और उसी साल की क्लोथिंग बनानी है और मेथड भी एक ही है दोनों का, एडजस्टिंग क्लोथिंग का, तो एक ही जर्नल जर्नल में दोनों एंट्रीज बना दें। 2006 की बनानी है, मैं हेडिंग भी दे रहा, डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट क्रेडिट, ये हेडिंग आएंगी हमारी 2006 दिसंबर 31st, एडजस्टिंग बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अमाउंट आ जाएगा 44,000। नरेशन पास होगी टू रिकॉर्ड या टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इसी डेट को इसकी क्लोजिंग बन जाएगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा इसका भी 44,000। तो ये हमारी बन गई 2006 की एडजस्टिंग और क्लोथिंग। उसके बाद है बैलेंस शीट बनानी है 2007 दिसंबर 31st को, इसी मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से बैलेंस शीट बनाएंगे। एसेट्स इक्विटीज, एसेट्स में हमारे पास आ जाएगी मशीन, मशीन की कॉस्ट है 6,84,000, इसमें से लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2007 में बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 2007 तक का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 2006 का डेप्रिसिएशन है 44,000, 2007 का डेप्रिसिएशन है 66,000, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो ये बन रहा है 1,10,000, 1,10,000 यहां से माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग वैल्यू बन जाएगी हमारी 5,74,000। यहां पे आके हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, ये हमारी थी रिक्वायरमेंट नंबर 3। उसके बाद इस क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें फॉर द सेट टू इयर्स, दो साल का 2006 और 7 का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं इस मशीन का। रिक्वायरमेंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कॉस्ट ऑफ मशीन है 6,84,000, इसमें से लेस करेंगे
डेप्रिसिएशन फॉर 2006 6,84,000 मल्टीप्लाई बाय रेट डेप्रिसिएशन का दिया हुआ 20% मल्टीप्लाई बाय पहले साल मशीन चली है 8 महीने 8/12 91,200 ये आ जाएगी इसकी बुक वैल्यू, माइनस कर देंगे फाइव नाइन टू एट डबल जीरो फिर इसमें से लेस करेंगे दोबारा डेप्रिसिएशन फॉर 2007 592800 इंटू 20% दूसरे साल पूरे साल मशीन चली है 118560 इसको माइनस करेंगे ये हमारे पास आ जाएगी दोबारा से एक नई बुक वैल्यू फाइव नाइन टू एट डबल जीरो माइनस 118560 474240 474240 तो ये हमारा क्वेश्चन था 2008 का क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन हमारा जो था ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था क्योंकि 2008 तक हमारा पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ था टोटल 5 सवाल हमें अटेम्प्ट करने थे एक सवाल के मार्क्स 20 थे 100 मार्क्स का पेपर था 20 मार्क्स के पेपर में ये रिक्वायरमेंट थी ये क्वेश्चन कराने का मेन मकसद ये था कि इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट निकालनी थी लेकिन रिक्वायरमेंट में नहीं मेंशन था और दूसरी चीज इसमें यह थी कि इसमें एडिशनल कॉस्ट गिवन नहीं थी एडिशनल कॉस्ट जब गिवन नहीं होती तो फिर किस तरीके से कॉस्ट की कैलकुलेशन होती है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 20 उसमें मैं कोई नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें हमें कोई थोड़ी सी डिफरेंट कोई चीज गिवन होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर और उसके बाद आने वाला जो लेक्चर होगा उस वक्त तक होपफुली लेक्चर नंबर 21 तक हमारा ये चैप्टर मेरे अपने हिसाब से शायद वाइंड अप हो जाए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को नजर आए लेक्चर नंबर 21 के भी बाद जो लग रहा हो कि यार इस क्वेश्चन में कोई नई चीज है कोई नई प्रॉब्लम है कोई नई चीज है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे उसको हम किसी भी चैप्टर के बीच में हम उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर लेंगे अगर कोई भी नया क्वेश्चन नजर आए आप लोगों को फाइव ईयर के अंदर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं तो फिर आप उसको मुझे बता सकते हैं आप मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर उस क्वेश्चन के अंदर मुझे भी कोई नई चीज नजर आई जो मेरी नजर से नहीं गुजरी होगी तो फिर हम किसी भी चैप्टर के बीच में कोई भी चैप्टर हमारा चल रहा होगा फॉर एग्जाम्पल सेकेंड चैप्टर चल रहा है थर्ड चैप्टर चल रहा है तो उसके बीच में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था आइडियल ये है कि आप जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लें तो कुछ पेजेस आप छोड़ सकते हैं कुछ पेजेस आप ब्लैंक छोड़ के नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं वो पेजेस आपके मिस नहीं होंगे दाया नहीं होंगे क्योंकि आप उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आया जो कि मैंने बाद में सॉल्व कराया तो फिर आप उसको अपने पास वो जो आप लोगों ने पेजेस फ्री छोड़े हुए हैं उसके अंदर आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं वो पेजेस आपके यूज में आ जाएंगे नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा है टेक्निकल चीजें थोड़ी सी ज्यादा हैं मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारा सबसे लेंथी चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है हमारे पेपर का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को
और बाज अवकात ये होता है कि ये लेक्चर जैसे दिया जा रहा होता है तो इसके अंदर स्टूडेंट जो है वो वर्किंग देख रहा होता है, ओरल जो टीचर बात कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते मैं जो चीजें आप लोगों को ओरली बताता जा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराते कराते आप लोगों को एक चीज बताई थी कॉस्ट निकालते वक्त, कि जब हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस वक्त अगर कैश डिस्काउंट नहीं है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वही हमारी कैश प्राइस होगी। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुना करें, लेक्चर कंसंट्रेशन बोर्ड पे भी हो आवाज पे भी हो। जैसे क्लास के अंदर होता है कि क्लास के अंदर जब एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है तो उसके साथ साथ टीचर कुछ चीजें बताता बता भी रहा होता है, तो ना सिर्फ आप बोर्ड पे देखें बोर्ड पे समझें बल्कि आप ओरली भी जो टीचर बोल रहा है उसके ऊपर भी आप अपनी कंसंट्रेशन रखें। इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 20 में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।